गाइज आज के दिन की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल तीन ऐसे कंपनी के बारे में जो तीनों तीन केमिकल से जुड़ी कंपनी है। और केमिकल की मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि हर एक ऐसे सेक्टर है कि उसको केमिकल के बिना काम ही नहीं चलता है। और गाइज मैं तीन जो कंपनी बताने वाला हूँ उस तीनों तीन कंपनी की ऑलरेडी रिटर्न बहुत ही कमाल की दी हुई है। 5 साल में 500% के रिटर्न देखने को मिल रही है। और कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म सोच के कभी भी निवेश मत करो, लॉन्ग टर्म सोच के ही पैसा निवेश करो तो एक अच्छा जो पैसा है वो कमा पाते हैं। और अभी इंडिया की मैं बात करूँ तो बहुत ही ग्रोथ अभी बाकी है और आगे जाके भी इंडिया का बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। तो उस ग्रोथ के अंदर आप फ़ायदा उठाओ, शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही कमाल की रिटर्न है वो कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के ही निवेश करोगे तो ही। अभी चलो एक एक करके कंपनी कौन सी है वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट कंपनी की मैं बात करूँ तो गाइज इस कंपनी की नवीन फ्लोरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 400% के रिटर्न दी हुई है। 1 साल के अंदर 18% की रिटर्न दी हुई है। बैलेंस शीट की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के रिजर्व की तो रिजर्व बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। 1300 करोड़, 1600 करोड़, 1800 करोड़ कंपनी का रिजर्व बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। और प्योर डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करूँ तो 0 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करूँ तो वह भी 0 देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ मार्केट कैप की तो 20,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 29%, फिर 19%, 23%, 27% बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट सेकंड कंपनी SRF लिमिटेड, इस कंपनी के 5 साल के अंदर 500% के रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 साल के अंदर 5% के रिटर्न देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ बैलेंस शीट की तो रिजर्व इस कंपनी के 7,500 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करूँ तो 1100 करोड़ का देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करूँ तो 1500 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप इस कंपनी के 67,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करता हूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। फिर आगे मैं बात करता हूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी के पास देखते हो तो 50% होल्डिंग, 18%, 14%, 16%। आगे बात करते हैं गुजरात फ्लोरिंग केमिकल, इस कंपनी थोड़ी सी रिस्की कंपनी है और 2019 के अंदर ही लिस्टेड हुई थी। 5 साल के अंदर 350% के रिटर्न दी हुई इस कंपनी ने और 2019 के अंदर इस कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर। इसकी रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी 4,000 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करूँ तो लगभग 400 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करूँ तो 1100 करोड़ का है। वो तो कंपनी की कोई भी चलाने के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा। कंपनी मार्केट कैप बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है इसका 34,000 का। फिर बैलेंस शीट की बात करते हैं नेट प्रॉफिट की कंपनी की तो लगभग 300 करोड़ का कंपनी का, फिर देख सकते हो 200, 300, 350, 300 वैसे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो भी धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो परमोटर के पास 63% की होल्डिंग है और फिर FIs के पास 5%, DIs के पास 4% और 26% पब्लिक के पास है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है गाइस, तीनों तीन के ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हो।